सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएं कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आज यूपी बीजेपी बड़ी बैठक करने जा रखी है और इस बैठक में विधानसभा प्रभारी, विधानसभा संयोजक, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक शामिल होंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहेंगे। बैठक में हारी हुई लोकसभा सीटों पर मंथन होगा। यूपी में केवल 14 लोकसभा सीटों पर विपक्ष का कब्जा है, जिसमें 10 सीटें बसपा, 3 सपा और 1 कांग्रेस के पास है। इन्हीं 14 लोकसभा सीटों के प्रभारी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। बीजेपी की आजमगढ़ रामपुर जीतने के बाद बाकी बची 14 सीटों पर निगाहें हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, लखनऊ में आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई है। आजमगढ़ रामपुर जीतने के बाद अब जो बाकी 14 सीटें बची हुई हैं उस पर निगाहें बीजेपी की टिकी हुई है और इसी को लेकर रणनीति बनाई जाएगी आज के मीटिंग में। तो साथ ही आपको बता दें कि बैठक में हारी हुई लोकसभा सीटों पर मंथन होगा। 14 लोकसभा सीटों पर विपक्ष का कब्जा है, जिसमें 10 सीटें बसपा, 3 सपा और 1 कांग्रेस के पास है और इन्हीं 14 लोकसभा सीटों के प्रभारी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के आजमगढ़ रामपुर जीतने के बाद ये जो बाकी बची हुई 14 सीटें उन पर निगाहें हैं। तो किसके पास कितनी सीटें हैं ये हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के पास 1 सीट है और बैठक में क्या होगा, कौन शामिल होगा, ये भी आपको बता रहे हैं। मिशन 2024 पर मंथन किया जाएगा।